हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार के खुले विरोध से असहमत दीपेंद्र हुड्डा बोले, वोट मांगना उनका लोकतांत्रिक अधिकार, गरिमा का उल्लंघन न करें। हरियाणा में भाजपा के लोकसभा कैंडिडेट्स और जेजेपी नेताओं के विरोध पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा असहमत नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अपना वोट मांगने का अधिकार है, वोट मांगते वक्त किसी को भी प्रजातांत्रिक, संवैधानिक व गरिमापूर्ण मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले की, लेकिन प्रचार के मैदान में उतरे प्रत्याशियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा, हिसार से रंजीत चौटाला और सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली लोगों के गुस्से का सामना कर चुके हैं। लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाने के साथ ही नारेबाजी की। विरोध को देख वहां से नेताओं को निकलना भी पड़ा है। यही नहीं, लोग भाजपा के साथ करीब 4.5 साल तक सरकार में रही जेजेपी पार्टी के नेताओं का भी विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में जेजेपी नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी लोगों ने घेराव किया। भाजपा कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विरोध करने वालों को कांग्रेसी कहा। इस पर जब रोहतक से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो क्या बोले वो अलग बात है, उनका कोसली और महम्मद विरोध हुआ। बाकी भी भाजपा के उम्मीदवार जैसे रंजीत चौटाला का हिसार में विरोध हुआ है, दुष्यंत चौटाला का भी विरोध हो रहा है, कहीं अजय चौटाला के विरोध की बात आ रही है। ये जो बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, इससे पता चलता है कि लोगों के मन में कितना गुस्सा है। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील है कि आज ये सही है कि हर आदमी के मन में सरकार को लेकर रोष है, लेकिन उस रोष को इजहार करने का तरीका प्रजातंत्र में वोट की चोट होता है। समय पर वोट की चोट का बटन दबाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जो आपका गुस्सा है उसका इजहार करें। सभी का अधिकार है अपनी वोट मांगने का। जो भी वोट मांगने जाए तो प्रजातांत्रिक, संवैधानिक व गरिमापूर्ण मर्यादा का कोई भी उल्लंघन ना करे। सीएम के बयान पर भी किया पलटवार। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सीएम नायब सैनी द्वारा सेना पर पत्थरबाजी करने वालों को कांग्रेसी कहने पर भी जवाब दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये अपने 10 साल के काम बताएं, अपने दफ्तरों को छोड़कर कोई काम किया हो तो वो बताएं। कांग्रेस पार्टी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रखने का काम किया है। हुड्डा बोले, जेजेपी का जनाधार खत्म। दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी को लेकर कहा कि ये 5 साल तक लोगों को भूल गए और इन्होंने सत्ता की मलाई खाने और भ्रष्टाचार करने का काम किया। आज सारी बात सामने आ रही है कि इस पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। भाजपा के 10 साल से हर कोई व्यक्ति नाराज है, लोग कांग्रेस शासनकाल को याद करते हैं।